नमस्कार, नेशनल इंडियन न्यूज के दिल्ली मेट्रो एनसीआर रूटीन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अफगानिस्तान में लहराते तालिबानी परचम से सुरक्षा एजेंसियां चौंकी। भारत में आतंकी हमलों को लेकर चिंताएं बढ़ी। भारत ने अफगानिस्तान के हालात के मद्देनजर अपनी सभी सुरक्षा एजेंसियों का आगाह कर चौकन्ना रहने के लिए कहा है, ताकि हर छोटी बड़ी हरकत की निगरानी की जा सके। बीते 5 महीने में सबसे कम मामले आने के बाद आज फिर केस बढ़े। 24 घंटे में टीकाकरण का आंकड़ा भी घटा। भारत में इस वक्त सबसे ज्यादा कोरोना मामले केरल में दर्ज किए जा रहे हैं। केरल में अभी तक कुल 37,03,578 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, एनडीए की परीक्षा में हिस्सा ले सकती हैं लड़कियां। दाखिले पर फैसलाबाद में 5 सितंबर को एनडीए की प्रवेश परीक्षा होनी है। एनडीए में दाखिले पर फैसलाबाद में होगा, लेकिन कोर्ट ने आज परीक्षा में शामिल होने पर सहमति जता दी है। एचडीएफसी बैंक को बड़ी राहत, अब नए क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति। 8 महीने से रिजर्व बैंक ने लगा रखा था प्रतिबंध। एचडीएफसी बैंक की इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और भुगतान सेवाओं में बाधा की कुछ घटनाओं के चलते आरबीआई ने दिसंबर में आदेश जारी कर नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगाई थी। अफगानिस्तान में तालिबानी जीत पर तालियां बजा रहे पाकिस्तान के लिए भी बिछी हैं बारूदी सुरंगें। पाकिस्तान की कोशिश होगी कि वह तालिबान नेताओं पर अपने एहसानों के बदले में ड्यूरंड रेखा पर समझौता हासिल कर ले। हालांकि अफगान जमीन का सौदा तालिबान के लिए भी भारी पड़ सकता है। देवभूमि उत्तराखंड को विश्व भर के हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे, कहना है केजरीवाल का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंगलवार को उत्तराखंड दौरे पर थे। इस दौरान केजरीवाल ने घोषणा की कि अजय कोठियाल उत्तराखंड के नेतृत्व में प्रदेश को हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाया जाएगा। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज। स्वतंत्रता सेनानियों से की थी तालिबानी आतंकियों की तुलना। यूपी के संभल में सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। सांसद ने तालिबानी आतंकियों की तुलना देश के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ की थी। अगली खबर फिरोजाबाद से है। पुलिस एनकाउंटर में घायल हुआ सुपारी किलर चरण सिंह, साथ ही बदमाश भी गिरफ्तार। फिरोजाबाद पुलिस ने एक एनकाउंटर में सुपारी किलर चरण सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके साथी योगेश को भी धर दबोचा। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा राज्यपाल के काफिले पर बदमाशों का हमला, कहा है मोदी सरकार। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के एस्कॉर्ट वाहनों पर मंगलवार शाम शिलांग में हमला हुआ है। राज्यपाल के सुरक्षा काफिले पर हमला तब हुआ जब वे गुवाहाटी एयरपोर्ट से लौटकर मलवाई हाईवे पर आगे बढ़ रहे थे। कांग्रेस नेता शशि थरूर को मिली बड़ी राहत। पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में कोर्ट ने किया बड़ी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को बरी किया है। फेसबुक का कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नोटिस। रेप पीड़िता के माता पिता के साथ शेयर की गई तस्वीर को हटाने को कहा। 4 अगस्त को एनसीपीसीआर ने ट्विटर से इस मामले में राहुल गांधी के अकाउंट को लेकर कार्यवाही करने के लिए कहा था। इसके बाद ट्विटर ने कांग्रेस नेता का अकाउंट बंद कर दिया था। राजकुंद्रा की मुसीबतें हुई कम। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 25 अगस्त तक दी अंतरिम सुरक्षा। शिल्पा सेठी के पति राजकुंद्रा को अश्लील वीडियो बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज को अग्रिम सुरक्षा प्रदान की है। चंडीगढ़ में साइकिल शेयरिंग सिस्टम का उठाए लाभ। नोएडा में भी जल्द मिलेगी ई बाइक सर्विस। बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने और शहर में सुगम आवाजाही के मकसद से चंडीगढ़ में साइकिल शेयरिंग सिस्टम की शुरुआत हुई है। दिल्ली से सटे नोएडा में भी जल्दी लोगों को ई बाइक की सुविधा देने की तैयारी चल रही है। यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले भारतीय नागरिक अफगानिस्तान में फंसे, वतन वापसी के लिए लगाई गुहार। 15 अगस्त से ही मैनेजमेंट के फैसले पर अब यूनिवर्सिटी बंद पड़ी है। डॉक्टर आसिफ बताते हैं कि उनके साथ कश्मीर के एक और प्रोफेसर आदिल रसूल भी उस यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट पढ़ाते हैं। राजस्थान के किसानों के लिए राहत भरी खबर, इस बार फसलों पर नहीं होगा टिड्डी अटैक। राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी है, इस बार प्रदेश में टिड्डी हमले की कोई आशंका नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में कराए गए एक सर्वे की रिपोर्ट के सामने आया है कि ईरान से चलने वाली हवाओं ने अपना रुख बदल लिया है। हरियाणा में बदलेगा मौसम का मिजाज। 19 से 21 अगस्त तक भारी बारिश के आसार। हरियाणा में अगस्त में बरसात की कमी देखने को मिली है, लेकिन यह सूखा 19 अगस्त से खत्म हो सकता है। मौसम विभाग ने 19 से 21 अगस्त तक मूसलाधार बारिश होने की बात कही है। तालिबान से भी बदतर पाकिस्तान, सैकड़ों की भीड़ ने महिला के साथ की बर्बरता, कपड़े फाड़े। लाहौर में करीब 400 लोगों की भीड़ ने एक महिला को घेरकर उसके साथ जबरदस्ती की। घटना 14 अगस्त की है, जब पाकिस्तान अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा था। रेल महकमे में बड़ा फर्जीवाड़ा, 115 कर्मचारियों को फर्जी तरीके से नौकरी देने का आरोप। अब हाईकोर्ट पहुंचा मामला। रेल महकमे के अफसर अब मामला
कोर्ट में होने की दुहाई देकर ज्यादा कुछ बोलने से बच रहे हैं। अदालत इस मामले में अगस्त के आखिरी हफ्ते में फिर से सुनवाई करेगी। दिल्ली मेट्रो एनसीआर ब्लेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।